Welcome in this new lesson of harmonium. Today our topic is Alankar. So what is Alankar? Alankar is made up of two words, Alan and Kar, which means ornaments. या अगर हम सरल भाषा में कहें तो गहने, जैसे किसी दुल्हन को गहने पहनाए जाते हैं ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे, खूबसूरत दिखे, ज़बरदस्त दिखे. इसीलिए गले को ज़बरदस्त बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, मीठा बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए हमें अलंकार की प्रैक्टिस करनी पड़ती है. तो अलंकार में हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, औरोह और अवरोह, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग. जो हमारा पहला अलंकार है वो है सारे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा. दिस इज़ फर्स्ट अलंकार. सारे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा. जो हमारा दूसरा अलंकार है, अब हम एक एक सुर को डबल करेंगे. सा सा रे रे ग ग म म प प द द नि नि सा 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 नि नि द द प प म म ग ग रे रे सा सा. इसी के साथ जो हमारा तीसरा अलंकार वो है सा रे ग रे ग म ग म प म प द प द नि द नि सा सा नि द नि द प द प म प म ग म ग रे ग रे सा. यानी कि तीन तीन सुर लगाने. इसलिए जो मैं कह रहा हूँ, जो हमारा अलंकार का सिस्टम है, इससे क्या है कि हम भजन में, गाने में या राग में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें इससे गले में हरकत आती है और उंगलियों की भी स्पीड बढ़ती है हारमोनियम पे, हारमोनियम की रीड पे. तो जो हमारा चौथा अलंकार है वो है सा रे रे ग ग म म प प द द नि नि सा सा नि नि द द प प म म ग ग रे रे सा. ये हमारा चौथा अलंकार था. पांचवा अलंकार हमारा सा रे ग म प ग म प द म प द नि प द नि सा सा नि द प म द प म ग रे म ग रे सा. लेकिन चार चार सुर लगाने पड़ते हैं. और एक अलंकार है हमारा जो है सारे सारे ग रे ग म ग म प म प द प द नि द नि सा नि सारे सा सा नि द नि द प द प म प म ग म ग रे ग रे सारे सा नि सा. पांचवा अलंकार है हमारा, इसमें पांच सुर लगाने. सारे ग म प रे ग म प द ग म प द नि म प द नि सा सा नि द प म ग द प म ग रे सा. तो जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम इसको आकार में भी करेंगे. तो जो मैंने आज आपको दिखाया ये अलंकार है, इससे ये गले का ऑर्नामेंट है, गले का जेवर है, ये गले को मीठा